हे गाइस, वेलकम बैक इन क्विक टेक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रविंदर सिंह। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सर्किट, ये पावर बैंक का सर्किट है और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था और बताया था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं और ये काम किस तरह करता है। इससे आप पावर बैंक किस तरह से बहुत ही कम पैसों में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये सर्किट है और इस पर एक ये डिस्प्ले है। तो अभी जो है इस पर क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा बैटरी प्लस और बैटरी माइनस। ये देखिए, ये दो बने हुए हैं और इन पर आपको बैटरी के तार कनेक्ट करने हैं। कोई भी आप 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने जो है इसमें एक लिथियम आयन बैटरी का सेट कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव से तार उठाकर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, अभी ये सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैंने अभी 2 ही सेल लगाए हैं। आप इसमें 6 सेल लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 इस तरह के सेल लगा सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा नहीं लग पाएगा और अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर 6 सेल ऐसे आप लगाते हैं तो आपका पावर बैंक काफ़ी बढ़िया से वो चार्ज होगा और वो फिर चार्जिंग भी करेगा, और 8 लगाएंगे तो और भी ज़्यादा पावर बैकअप देगा वो, बट वो चार्ज होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो अभी देखिए ये किस तरह से काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी कनेक्ट होने के बाद आपको जो है ये डिस्प्ले आकर बंद हो जाएगा और आपको फिर यहाँ से ये जो बटन है इसको प्रेस करना होगा थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, अब ये ऑन हो गया है और अभी ये दिखा रहा है 3% आपको नज़र भी आ रहा होगा, और करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए 3%, और इधर लिखा हुआ है आउट, बैटरी जो है इसकी 3% ही है चार्ज। अगर इसको हम चार्जर लगाएंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 USB हैं, एक पर 2 एम्पियर का करंट आएगा और एक पर 1 एम्पियर का। तो 2 एम्पियर वाले से आप स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं बड़े वाले, और 1 एम्पियर से आप छोटे वाले कीपैड वाले। यहाँ से आप चार्जिंग दे सकते हैं इसको, पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं अपना चार्जर कोई भी लगाकर। और अगर आप चार्जर 2 एम्पियर का लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये बंद हो गया है क्योंकि इसमें 3% था तो, और इस पर फिर कोई लोड भी नहीं चल रहा था तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब भी इस पर कोई लोड नहीं कनेक्टेड होगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये बंद हो गया है। अभी इसकी बैटरी जो है 3% थी, तो मैं इस पर चार्जिंग लगा के देखता हूँ फिर क्या होता है। तो ये जो है चार्जर का मैं कनेक्ट करता हूँ इसमें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए इसकी जो है डिस्प्ले जल गई है, और यहाँ आउट ही लिख रहा था पर अब ये इन लिख रहा है। तो ये 3% इन 3% दिखा रहा है, तो इन का मतलब अब इसमें चार्जिंग हो रही है और ये 3% तक चार्ज हो चुकी है। तो कुछ देर बाद ये ऐसे 4 फिर 5 फिर 6 इस तरह से करके 100% चार्ज हो जाएगी। अभी इस पर कोई लोड नहीं चल रहा है तो इसलिए कोई लोड दिखा नहीं रहा है। तो ये काफ़ी हाईटेक डिवाइस है, सर्किट है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको चार्ज होने देता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या इसमें देखने को मिलेगा। तो तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 11% चार्ज हो चुकी है बैटरी, और इसे फुल, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्चार्ज है तो इसे फुल चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये चार्जिंग किस तरह से करता है। इसको हम निकाल देंगे और ये बंद हो गया।
तो ये फ़ोन लेंगे और इसमें मैं ये डाटा केबल लगा देता हूँ। अभी करना क्या है, इस केबल को मैं इसमें कनेक्ट करूँगा। ये ऑन हो गया और देखिए डिस्प्ले भी ऑन हो गया फ़ोन का। तो इसमें आप देख सकते हैं 11% अभी भी दिखा रहा है। अब ये क्या दिखा रहा है आपको, 11% मतलब 11% बैटरी है इसमें आपके पावर बैंक में। आउटपुट दिखा रहा है आउट और 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर, मतलब हमने जो पोर्ट सिलेक्ट किया है वो 2.1 एम्पियर वाला सिलेक्ट किया है, उसमें डाटा केबल लगी हुई है। तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का करंट, 2.1 एम्पियर का करंट जा रहा है जिससे कि फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो फ़ोन को भी देख लीजिए, यहाँ देखिए चार्ज चार्जिंग लिखा हुआ है और 41%। तो दूसरे वाले पे अगर लगाता हूँ मैं तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा टाइट है। चलिए इस पे लगाने पे ये देखिए 5.5 वोल्ट 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर वाला पोर्ट है जिससे स्मार्टफोन चार्ज नहीं होगा, स्मार्टफोन इस वाले से ही चार्ज होगा। तो इसको दो एम्पियर पर कनेक्ट किया। तो देखो दोस्तों इस तरह से ही जो है ये आप बना सकते हैं एक पावर बैंक काफ़ी कम कीमत में बड़ी आसानी से। तो आपको अगर ये सर्किट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर आप ख़रीद सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।